हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज हमारा कौन सा स्पेशल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज है फ्राइडे और आप जानते हैं फ्राइडे को आपके स्पेशल क्लासेस रहते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। देखो, मैपिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, तो मैपिंग आप लोगों की अभी दो तीन दिन और चलेगी, उसके बाद में वो ख़त्म होगा। तो आज हम ज़रा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी को इंक्लूड करेगा, आपके लाइक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड करते हुए सवाल बनाए गए। तो एक बार इसे क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर मार दो ताकि सब लोग यहाँ पर ज्वाइन कर पाएँ। और जो मैपिंग का क्लास होता है ये आपका 4:30 बजे चलता है, लेकिन आज फ्राइडे है तो आप भी जानते हैं कि फ्राइडे को आपका स्पेशल क्लास होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 4:30 बजे आपका मैपिंग का क्लास चल रहा है, ओके। दूसरा, स्टार्टिंग जीके और यहाँ पे 500 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी अनअकैडमी पे चली रही है। बस ये ध्यान रखना कि अभी स्टार्टिंग जीके के अंदर कुछ टॉपिक्स आने जा रहे हैं, ठीक, जैसे कि गवर्नर हो गए, अभी बहुत सारे पॉइंट हुए ना, या मान लो CM हो गए, तो इन सब के थ्योरी के साथ में आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो इन स्पेशल क्लासेस को मिस मत करो, दोनों अनअकैडमी पे होते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। सुबह 5 बजे वाला जो क्लास चल रहा है वहाँ पे पॉलिटी ख़त्म होने वाला है और इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के इकोनॉमिक्स के लाइक कॉन्टेंट के बेसिस पे पेपर होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। अगला, करंट अफेयर्स का क्लास आप जानते हैं कि ये डेली बेसिस पे होता है सुबह 6:45 AM पे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम का सलूशन है। और अब तो और भी ज़्यादा फोकस शुरू कर दो, MTS की भैया डेट्स वेट्स आ चुकी हैं, सेंटर वेंटर पता चल गया है। अभी भी अगर लेजीनेस दिखा रहे हो फिर आगे समझ लो भैया, अब हम क्या बताएं, है ना। हम तो पढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। लला 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 हो गया मैम ये तो, अगेन विदाउट ऑप्शन। मैंने देखो पिछले ही वाले फ्राइडे को बोला था कि हर फ्राइडे फ्राइडे तुम्हारे लिए एक ऐसा क्लास आएगा जहाँ पे आपको भर भर के 50, 60, 70 सवाल मिलेंगे। पिछले क्लास में 100 सवाल थे और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे दे विल बी द गेम चेंजर। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है मैम, सॉल्व नहीं होगा। कैसे नहीं सॉल्व होगा, आगाज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला सवाल जो पूछा जा रहा है वो है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी है ना, जो हमारी अर्थ है वो क्या है, वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ऐसा किसके द्वारा बताया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। कॉपरनिकस वॉज अ पर्सन जिसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था और बताया था। अगर हम अर्थ की बात करते हैं या हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है मिल्की वे के बारे में, तो मिल्की वे विल बी द सेम थिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर, और जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो कौन सा हो जाएगा, वो बनेगा यहाँ पे मर्करी। दोनों ही आपके लिए नाम इम्पॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलो, आपको बताना है प्लैनेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन, ठीक है। अरेंज लिखा है, मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं डाले, तो अरेंज कैसे करोगे, अरेंज ऐसे करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। देखिए सन के हिसाब से आपको जाना था, ठीक है। अब सन से जब आप चलना शुरू करोगे तो सन के सबसे पास में क्या मिलता है, मर्करी मिलता है, सबको पता है। उसके बाद में वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और आखिरी में जाके क्या होता है, प्लूटो होता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अब इसको प्लैनेट के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है सबसे छोटा प्लैनेट है ये, बट सबसे तेज़ गति से घूमता है। वीनस जो है ये सबसे ब्राइटेस्ट है और सबसे हॉटेस्ट भी है। अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट हो जाएगा मार्स, इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है भैया, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। सैटर्न जो है इसे हम शनि कहते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ 82। स्क्रीनशॉट मार के मेरे पास में मत लाना कि मैम जुपिटर के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नासा के डेटा के हिसाब से 82 सैटर्न के ही हैं। कभी कभी सोचते होगे ना मैम आप पहले ही क्यों बोल देती हो कि स्क्रीनशॉट लेकर मत आना। अरे मुझे पता है ना तुम लोग कितना सोच सकते हो, आई नो यू पीपल, ठीक है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार के मत लाना। अगला, अर्थ इज़ एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको बताना है कि अर्थ और सन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि सपोज करो कि ये सन है, सूरज,
क्लास में सूरज आया है क्या, और ये क्या है, अर्थ है। अब देखो इन दोनों के बीच में जब जो डिस्टेंस होता है अगर वो सबसे ज़्यादा कम हो जाता है तो इसे बोला जाता है पेरिहीलियन, ठीक है। और यही जो डिस्टेंस होता है जब ये सबसे ज़्यादा हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं एपिहीलियन। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि अर्थ का क्लोजेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये दोनों सबसे पास में कब होते हैं, 3 जनवरी को होते हैं, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा दूर कब होते हैं, तो 4 जुलाई को वो तारीख आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बताइए, सन इज़ बिगर देन अर्थ। अब आपको बताना है कि भैया इसका फिगर क्या हो जाएगा, तो सन जो है वो यहाँ पे बिगर होता तो है, सही बात है, लेकिन कितने गुना होता है, 109.2 टाइम्स ये बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखो, इन इट्स ऑर्बिट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द मेन ऑर्बिट स्पीड। आपसे कहा जा रहा है जो पृथ्वी है वो अपने ही ऑर्बिट के ऊपर क्या करती है, घूर्ण करती है, ठीक है, रिवॉल्यूशन करती है, रोटेशन करती है, दो शब्द आते हैं। रोटेशन का मतलब होता है जब वो अपने ही एक्सिस पे खड़ा होकर घूम रहा है, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब वो किसी दूसरे के आसपास चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये कितना हो जाएगा, 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगला सवाल, सैटर्न टेक्स टू कम्प्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सैटर्न जो है यानी कि जो शनि है, जब वो यहाँ पे सन के चारों तरफ घूमता है तो यहाँ पे कितना समय लगाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.5 ईयर्स, लेकिन वो क्या है, लाइट ईयर्स की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द अर्थ इन सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द मीन रेडियस। अब देखो जब यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर हम अर्थ की लोकेशन की बात करें सन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, या सपोज करिए सोलर सिस्टम में सबको मिला के अगर हम देखते हैं, तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ सन इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द मीन रेडियस। मीन रेडियस का मतलब क्या हो गया, द रेडियस यानी कि जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसे हम क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम से काउंट करना है, सन से काउंट करने की बात नहीं हो रही है, ये कंप्लीट सोलर सिस्टम को काउंट करने की बात हो रही है। सन से तो काउंट करोगे तब तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाएगा, ऐसे आएगा तो क्या होगा, 5th नंबर पे होगा। अगला, कॉन्स्टलेशंस इन इंडियन माइथोलॉजी जिसे हम क्या कहते हैं, सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके क्लस्टर को हम किस नाम से और जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा ओरसा मेजर के नाम से इसको जाना जाता है। सवाल तो सॉल्व हो नहीं रहे होंगे, आधों के तो सॉल्व ही नहीं हो रहे होंगे, मैंने पहले ही बोला था ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम मैपिंग पढ़ रहे थे, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, लेकिन हमने वन लाइनर के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर नहीं किए थे, तो यहाँ पे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म फॉर द इनर पोर्शन ऑफ द मून शेडो, यानी कि चंद्रमा की जो शेडो होती है, जो परछाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंबरा कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे सन की लाइट पड़ती है उसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं, दोनों ही शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गैलीलियन मून ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो इन 1610, यानी कि 1610 में जब यहाँ पे जुपिटर के मून ढूंढे गए थे तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 4। अब इसमें से ये याद रखना, यूरोपा आपसे पूछा जाएगा, यूरोपा जो है ये किसका मून है, तो आंसर हो जाएगा ये जुपिटर का मून है। अगला सवाल, द मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की एज को नापने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि किसी फॉसिल की अगर हमें एज पता करनी है तो हम क्या करते हैं, फॉसिल की एज कैसे पता चलती है, हम कार्बन डेटिंग करते हैं। किसी प्लांट के बारे में हमें पता करना है, किसी ट्री के बारे में हमें पता करना है, तो हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही थी अर्थ के बारे में, ठीक है। अगला सवाल, द ग्रेट आइस एज इज रिलेटेड टू, कसम से बता रहे हैं तुम लोग का मुँह देखने वाला होगा इन सवालों के साथ में, है ना, मेरी कंटेंट वाली टीम भी सोच रही होगी कि मैम ने कैसे कैसे इस बार सवाल बनवाए हैं कि सब रो देंगे। रोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल बन के आ रहे हैं, और अभी MTS का जो पेपर आएगा ना रुला देगा अगर ऐसे सवाल पढ़ के ना गए तो, समझ रहे हो, तो प्लीज़ फोकस करो हर एक पॉइंट के ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस्टोसीनी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या है, गोंडवाना, इट इंक्लूड्स द लैंड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। सवाल में कहा जा रहा है कि पहले के टाइम पे जो पृथ्वी थी, जो अर्थ थी, इसके दो हिस्से हुए, ठीक है,
एक तो हो गया यहाँ पे लॉरेशिया, एक हो गया गोंडवाना। तो इंडिया जो था पहले वो गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया ऊपर के साइड पे शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है तो गोंडवाना के टाइम मतलब गोंडवाना के अंदर अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स या कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आता है। इंडिया ऊपर के साइड पे आ गया। अगला सवाल, द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा? सिंपल है, ओजिस डेल सेल्वाडोर। हाँ मैम, थैंक गॉड, पहला सवाल जो हमको आता था, ऐसी वाला रिएक्शन आया होगा ना तुम लोगों का, कोई बात नहीं, होता है होता है, ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट बताओ, द मोस्ट गैस रिलीज फ्रॉम द वॉल्केनो। अब ये मत बोलना ये नहीं पता है मैम, 85 बार बता चुके हैं सुबह करंट अफेयर्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर वेपर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अभी आपने देखा होगा कि कैनरी वाला जो वो था ना वॉल्केनो स्पेन के अंदर जो बस्ट हुआ था, वहाँ पे भी आपसे ये सवाल बन सकता है, तो दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, द मॉल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ, अर्थ के मॉल्टन वाला जो एरिया है, मॉल्टन का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, दिस इज क्रस्ट है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेंटल। मेंटल मतलब वो दिमाग वाला मेंटल की बात नहीं हो रही है, और ये हो जाएगा क्या, कोर, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो मेंटल वाला एरिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मॉल्टन लावा के फॉर्म में होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह को हम क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी चीज़ें लावा के फॉर्म में होंगी उसी को हम मैग्मा कहते हैं। जब भी ज्वालामुखी फटता है ना, तो ज्वालामुखी से आप देखते हो कि ये लावा इस तरीके से निकल के आता है, एक्चुअली में जब ये यहाँ से यहाँ आता है ना, तो इसे हम मैग्मा ही कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ, द रॉक्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा आर नोन एज, यानी कि जो रॉक्स होते हैं जो क्या होते हैं, अर्थ के इनसाइड से निकल रहे हैं, यानी कि जब ज्वालामुखी फटा तो उसमें से कुछ रॉक्स निकल के बाहर आए, अब वो ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद क्या होंगे, जम जाएंगे। अब जब वो जम गए तो हम उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक के नाम से जाना जाता है। सपोज़ करो यही जो यहाँ पे लावा निकल के आ रहा है, यही लावा जब बहुत दूरी तक फैल जाता है, बहुत दूरी तक फैल जाता है और एक सॉलिड जगह बना देता है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक आइलैंड। क्या कहते हैं? वॉल्केनिक आइलैंड के नाम से उसे जाना जाता है। अगला सवाल बताओ, वॉल्केनिक इरप्शन डज नॉट अकर इन विच सी, ऐसा कौन सा सी है जहाँ पे आपको वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी ही देखने को नहीं मिलता है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाल्टिक सी। ये बेचारा छोटा सा क्या करेगा, है ना, तो ये जो लोकेशन है नहीं दिख रही होगी, अरे दिख रही है, अरे अरे दिख रही है, पिछले वाले में क्या बोल रहे थे, क्या तुमको मैप में लोकेशन दिखाई दे रही है, यही कमेंट थे ना तुम लोग के, बेटा एक एक कमेंट देखते हैं तुम लोग का जो तुम लोग खिचड़ी पकाते हो, समझे। चले अच्छा, अगला सवाल, विच आर्कियोलॉजी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हे भगवान, मैम दूसरा सवाल जो हमें आता है यही है वो, गौर से देखिए मैम जो हमें आता है, क्या होगा रिंग ऑफ फायर के लिए, तो रिंग ऑफ फायर के लिए याद रखिएगा ऑलेशियन आइलैंड इज द राइट आंसर। देखो रिंग ऑफ फायर जब हम कहते हैं तो ये आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगा, एंड इस जगह को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूकंप भी देखने को मिलते हैं, तो दिस लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल, द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कंट्रीज मिलेंगी, तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। कितनी कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज मिलेंगी। जो लेटेस्ट वाली कंट्री है वो कौन सी है, साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, जूवा इसकी कैपिटल है, ठीक है। अगला सवाल, द कॉन्टिनेंट हैज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द एरिया, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग बताना है, कम की तरफ बताना है, ज़्यादा से कम की तरफ बताना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले नंबर पे आ गया एशिया और आखिरी पे चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया। बीच के जो फिगर्स हैं वो आप ईजिली अरेंज कर सकते हो क्योंकि एशिया के बाद में अफ्रीका ही आएगा, हमें मालूम है, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कोई नॉर्थ कोरिया मत पढ़ लेना, ऐसा हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि किसी की मोहब्बत हो किम जोंग उन, है ना, यू नेवर नो। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। अच्छा सपोज़ करो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं दिया है, अब क्या करोगे, रोने मत बैठ जाना, तो आंसर यहाँ पे ओशियानिया हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, द कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा लैंड, क्या हो जाएगा, पर कैपिटल लैंड का मतलब क्या है, यानी कि लैंड का जो एरिया है वो आपका ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट इज़ व्हाट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो,
पढ़ा दिया है मैंने, इसलिए ये सवाल पूछा है। ठीक है, अगला सवाल, द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ द हाइएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उठा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, क्या है, अंटार्कटिका, या फिर अंटार्कटिका ओशियन कह लो या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कह लो, लेकिन सी मत बोल देना, बेइज्जती लगेगी उसको। ठीक है, अच्छा, अंटार्कटिका की जो लोकेशन है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लार्सन देखने को मिलते हैं। मैम लार्सन क्या होता है, लार्सन का मतलब है आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग का मतलब होता है ग्लेशियर्स, या कह लो बर्फ की चट्टाने जो होती हैं उसे हम कहते हैं आइसबर्ग्स। ठीक है, अच्छा, इसकी हाइएस्ट पीक क्या हो जाएगी, माउंट विंडसेफ इसकी हाइएस्ट पीक बनेगी। अगला, विच इज़ नोन एज सी ऑफ माउंटेन्स, किसे सी ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। जब मैंने आपको ये नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था वहीं पर आपको मैंने ये बताया भी था। अगला, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक कौन सा हो जाएगा। हाय मैम, दिल जीत लिया ये सवाल पूछ के आपने, है ना। मैम कुछ नहीं आ रहा था, बस एक ये ही आता था हमको, है ना, वर्ल्ड का हाइएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, नवीन मोड द्वार पर्वतों पर। क्या समझ में कुछ आया, नहीं समझ में आया होगा, आओ बताते हैं। देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची आपसे चोटी पूछी जा रही है, तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट, राइट, सभी लोग यही बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 8 feet, हैं, गलत तो नहीं लिख रहे हैं, ओके अभी ठीक है ना। और जब से चाइना ने इसको चेंज किया है ना, तब से ये कुछ ऐसी बहकी बहकी सी नज़र आती है। वेल, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको माउंट एवरेस्ट ऑप्शन में दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा जा सकता है जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी ही जो पीक होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि उनमें क्या होता जाता है, उनकी हाइट इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में जिस हिसाब से सवाल पूछा गया होगा वैसे आंसर कर लेना। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगी एंडीज की, ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंडीज मिलेगा साउथ अमेरिका में। अगला, द सदर्न एल्प माउंटेन आर लोकेटेड इन, एल्प कहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो तो हमें पता है मैम एल्प कहाँ पे मिलेगा, वो हमको मिलेगा इधर वाली जगह पर, लेकिन मैम सवाल में तो साउथ एल्प पूछा गया है, साउथ एल्प कहाँ मिलेगा, मैम ये तो हमको मिलेगा न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल, द माउंटेन दैट बॉर्डर्स इंडिया एंड म्यांमार। हाय मैम, बस ऐसे ही वाले सवाल आप पूछा करो, ये हमको ऐसा नहीं आते हैं, मतलब चुटकियों में हम आंसर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अराकन योमा। मान लो सपोज़ मैंने सवाल को टफ बना दिया, मेरी तो आदत तुम जानते ही हो, है ना, इजी क्वेश्चन हमको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन पढ़ाते भी हैं हम टफ़ वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों से सिर्फ टफ क्वेश्चन हम पूछ ही लेते हैं। अब अगर मेरा सवाल ये है, अब इसके बीच में कौन सा माउंटेन आपको मिलेगा, बता दो, चलो बता देते हैं, सारामाती हिल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, द ब्लैक माउंटेन इज लोकेटेड इन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए के अंदर आपको ये मिलेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे ब्लैक फॉरेस्ट पूछूं तो कहाँ मिलेगा, मैम ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, किसी ना किसी बेकरी पे तो मिल ही जाएगा मैम, कहीं ना कहीं से तो आपके लिए ढूंढ के ला ही सकते हैं, है ना। अरे बुद्धू, ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ हम पेस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ये हो गया कि हमें जर्मनी चलना पड़ेगा, जर्मनी के अंदर आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलता है। अगला, द एवरेज एलिवेशन अबव द सी लेवल ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का जो पठार है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये अप्रॉक्स कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आपको मिलता है, तो ये करीबन 5 kilometers की ऊंचाई पे आपको मिलेगा फ्रॉम द मीन सी लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, मिनरल डिपॉजिट्स इन साउथ अमेरिका आर नोन एज, साउथ अमेरिका के अंदर जो मिनरल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम पेटागोनिया के पठार के नाम से जानते हैं, जो कि आपको कुछ इस जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है, पेटागोनिया प्लेट्यू। अगला सवाल, डेविल्स गोल्फ कोर्स इज फेमसली नोन एज डेथ वैली, ये कहाँ पर मिलती है। अगर तुमने ये वाला क्लास रेगुलर बेसिस पे पढ़ा है, या फिर अगर तुमने ये क्लास रेगुलर बेसिस पे पढ़ा है, या फिर अगर तुमने ये वाला क्लास रेगुलर बेसिस पे पढ़ा है, तो तुम इस सवाल को गलत नहीं करोगे, और अगर तब भी गलत कर दिया तब तो बेटा तुमको कोई नहीं बचा सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, क्या है पंजशीर वैली, ओए होए याद आ गया, यह बताना पड़ेगा, आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा,
अफगानिस्तान, यही तो वो आखिरी वाली वैली थी जिसको भी कैप्चर किया गया था। किसके द्वारा? तालिबानियों के द्वारा। और सुनो तो सही, सार्क वाली समिट जो है वो इनके चक्कर में कैंसिल कराई है पाकिस्तान ने, पता है ना। डेली करंट अफेयर्स का क्लास अगर करोगे तो बेटा कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुमको ना आता हो। अगला सवाल, वैली ऑफ किंग, अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? इजिप्ट को बोला जाता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ किंग्स आइलैंड, तब क्या आंसर करोगे? कमेंट बॉक्स में लिखना किंग्स आइलैंड क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बाय द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी? अरे यार ये क्या, चाइना हो जाएगी। और मतलब ये इतना ज़्यादा डर गए थे इंडिया से कि इन्होंने अपने यहाँ पे थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर दी। गरीमत है कि थोड़ा कम डरे थे, ज़्यादा डरते तो पता नहीं कौन सी वाली चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर देते हैं, इनका वैसे भी कोई भरोसा नहीं है हमें। तो वो यहाँ पे फिलहाल थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च करके ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का लेकिन हम तो सवाल ही भूल गए, सवाल क्या पूछा था, चलो कोई ना। अगला सवाल, द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी होगी? आंसर बनेगा कनाडा की हो जाएगी। इंडिया में पूछा जाएगा तो गुजरात की हो जाएगी। सबसे छोटी पूछी जाएगी तो गोवा की हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच कंट्री फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर विद द इंडिया? टेरेस्ट्रियल बॉर्डर समझते हो? एक ऐसा एरिया जहाँ पे लैंडमार्क भी आपको नज़र आ रहा हो, जहाँ पे आपको वाटर बॉडी भी नज़र आ रही हो, ठीक है, दोनों चीज़ें हो, तो वो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और याद तो हो गई ना, कल ही तो पढ़ाया था शेख हसीना जुल्फों वाली, बताओ 71 रोजेज़ भेजे थे और जब से वो भेजे तब से इनके ऊपर अवार्ड्स की बरसात हो रही है। SDG अवार्ड मिला है अब इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिस लोकेशन, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करोगे तो यहाँ पे चार देश आते हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड द क्या, जिबूती। जिबूती है, विभूति नहीं है। अच्छा, विभूति क्लास में आया है कि नहीं आया आज? अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया में से, जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में शेयर नहीं करता है? देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए क्वेश्चन के लेवल भी वैसे ही रखे जाते हैं जैसे कि आपके पेपर में बनेगा। क्योंकि आप ये बात समझो, एग्जामिनर अपने घर से सवाल नहीं बनाएगा, वो सवाल भी वहीं से उठाएगा जो तुमने करंट में पढ़ा होगा, वो उसी को स्टैटिक में मोल्ड कर देगा। आप लोग 100 जगह पे 100 चीज़ें पढ़ के आते हो, राइट, बट उसके बाद में भी आप जब इस क्लास को देखते हो या जब आप मेरे किसी भी क्लास के अंदर एंट्री मारते हो, तब आपका एक ही स्टेटमेंट होता है, हाँ मैम ये वाला सवाल उस पेपर में आया था, राइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना कंटेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं, एक एक सवाल चुन चुन के निकालना पड़ता है। अब आपको मालूम है कि ये कंट्री इतनी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास के एरिया आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया जो है उसका बॉर्डर यहाँ पे इनके साथ में शेयर नहीं होता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, भले ही डिस्प्यूटेड वाला है लेकिन शेयर होता है, ठीक है। अगला सवाल, द मिडनाइट सन, अरे यार ये भी कोई सवाल था पूछने का, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा नॉर्थ पोल वाला एरिया बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी वाली जगह हो जाएगी? तो ये है आपका साउथ अमेरिका, इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, गोल्डन गेट कौन सा ऐसा शहर है जिसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है? तो जब हम शहरों की बात करेंगे तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैक्सिमम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सैन फ्रांसिस्को। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी अगर ट्रेड वगैरह होना है इस पर्टिकुलर एरिया से, ये एरिया देख रहे हो ना, ये क्या है, पैसिफिक है, तो पैसिफिक से जब कोई भी हो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो इस तरीके से ही आएगा, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला, टर्की कहाँ गया मैप में, कभी कभी खो जाता है, हाँ टर्की कहाँ पे आएगा? ऊपर के साइड पे ये रहा ब्लैक सी और ये रहा मेडिट्रेनियन सी, ठीक है, दोनों के बीच में आपको मिलेगा। अरे यार ये तो मटकी हो गई यहाँ पे। खैर नेक्स्ट पे आइए, द एरल सी टचेज द कोस्टल एरिया ऑफ विच कंट्री? एरल सी तो पहले ढूंढ लो, ये रहा कैस्पियन, कैस्पियन के बगल में आपको मिलेगा एरल, ठीक है। तो एरल सी जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है। काजिंद और डस्लिंग दोनों एक्सरसाइज याद रखना, इंडिया के साथ में होती हैं इन दोनों की, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, हाँ जी चेक द मैप, ओए होए, जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो, आपको बताना है कि यहाँ पे जो रेंजेस मार्क्ड हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, इनके आपको नाम बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजल इज़ द राइट आंसर. ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर और ये क्या है पीर पंजल. पीर पंजल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ये जो तीन एरिया तुम देख रहे हो जिसमें से काराकोरम का इधर वाला पार्ट जो है ये POK डिस्प्यूटेड, इधर वाला पार्ट जो तुम देखोगे ये क्या है अश्काचिन का एरिया, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सियाचिन ग्लेशियर का एरिया मिलता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए. द मैरीगॉट लाइन ये कौन कौन से देशों के बीच में आपको देखने को मिलती है. इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी. इंडिया के साथ में एक तो रेड क्लिफ याद रखना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और दूसरा डोरियन लाइन याद रखिएगा, इंडिया एंड अफगानिस्तान. अगला द एल्पाइन लाइन ये कौन कौन से देशों के बीच में लोकेटेड है. इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड इटली के बीच में लोकेटेड है. गाइस सेशन के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर मार देना यार, इतना काम कर लेना. ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मैप है आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि जो रिवर यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो रिवर यहाँ से, एक सेकेंड, ये जो रिवर यहाँ से ये नज़र आ रही है ये रिवर कौन सी है, और ये लिखा हुआ है म्यांमार. अब कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा साल्मन रिवर. ये ध्यान रखना म्यांमार के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है इरावडी, और एक रिवर है जिसका नाम है चिडविन, और जो तीसरी रिवर है वो कौन सी है, साल्मन. ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिवर हो जाएगी. अगला द आर्चिपेलागो विच इज़ नोन एज वॉट, शीप आइलैंड. ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम शीप आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फरो द्वीप. ठीक है, ये यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, सिंपल. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड बनेगा. इसकी कैपिटल क्या है, नूक हो जाएगी, और यहाँ पे कौन सी कंट्री रूल करती है, तो दैट इज डेनमार्क. ठीक है ना, कौन सी रूल करेगी, डेनमार्क यहाँ पे रूल करती है. अगला द लार्जेस्ट आफ्टर द ग्रीनलैंड कौन सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा. अब बताओ ग्रीनलैंड के बाद में दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में कौन सा वाला आइलैंड आता है. हाय मैम आज क्या मतलब कैसे कैसे सवाल लेके आई हो. अरे ठीक है भाई, हर टाइम थोड़ी ना तुमको हलवा टाइप के सवाल पढ़ाएंगे, कभी तो तुमको ऐसे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे क्योंकि पेपर में आ गया, तब क्या करोगे. तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यू गिनी इज द राइट आंसर. अगला द सेकेंड डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेक, सेकेंड डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेक. अच्छा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे टंगानिका. टंगानिका याद आई, ज़रा बताना तो सही कहाँ पे थी टंगानिका. गलत मत करना या पढ़ाई हुई चीज़ है, पता चला गलत कर दो. हाँ चलो नेक्स्ट बताओ, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द लेक कहाँ पर, USA के अंदर. आपको ईस्ट टू वेस्ट बतानी है, तो ये आपका लेक सुपीरियर, उसके बाद में विक्टोरिया, देन बेकाल, देन ग्रेट बैरियर. ये आपको पूरा एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा कहाँ पे, USA के अंदर. इनको ईस्ट टू वेस्ट लगाना था, तो ईस्ट टू वेस्ट में इसकी लोकेशन ऐसे आएगी. मैप में मैं आपको ये सारा का सारा बता चुकी हूँ, नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. ठीक है, अगला सवाल, द लेक दैट इज़ लोकेटेड एंटायरली इन USA. अब मैंने आपको बताया था होम्स के बारे में, उसमें से एक लेक ऐसा है जो कि कम्प्लीटली आपको USA के अंदर मिलेगा, कौन सा हो जाएगा, लेक मिचिगन रहेगा. ठीक है, हाथों में दर्द तो नहीं होने लगा किसी के. अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, पाउंड एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ. अब आपसे कहा जा रहा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपको कौन सा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर पहले तो ये समझो, जब हम एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करते हैं, लेयर की जब बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ये होता है. लेकिन कहा जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे आपको मेनली गैसेस देखने को मिलती हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगी. अगला सवाल, कहा जा रहा है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है अर्थ के, जो पूरी लेयर होती है मैंने अभी आपको ये बता ही दिया. ठीक है, तो सबसे पहले छोप यानी कि ट्रोपो, देन स्ट्रेटो, देन मीजो, फिर उसके बाद आइनो, आइनो के बाद क्या हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा. ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है ना, ये आइनो और एक्सो दोनों को मिला के लिख देता है, कहता है कि बताओ थर्मोस्फीयर, है ना. तो थर्मोस्फीयर में कंफ्यूज मत होना, इसी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या आइनो, एक होता है एक्सो. ठीक है, चलो द कोरल रीफ, आय हाय बताना पड़ेगा क्या हो जाएगा. सिंपल सी बात है, कोरल रीफ्स आपको उन एरियाज में देखने को मिलती है जहाँ पे कर्क और मकर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों की लाइन क्रॉस करती है, और उसके बीच के एरिया में आपको ये मिलेगा. पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोरल रीफ पूछी जाएगी, मूंगा चट्टान पूछी जाएगी, तो वो कौन सी वाली हो जाएगी, तो वो बनेगी कौन सी वाली कोरल रीफ, अरे ग्रेट बैरियर रीफ यार, ऑस्ट्रेलिया में. ये लो आ गया, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये मिलेगी. कहाँ गया, ये रहा. ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती है. चलो
तो ये तो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। हाउ वाज द सेशन, फटाफट से बताओ। और ऐसे क्लासेस आपको हर फ्राइडे को मिलते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। अब हाउ वाज द क्लास ये बताइएगा। एंड इसके अलावा आपको लास्ट चीज़ बता दें कि आज है 24, जो कि आपका आखिरी दिन है। अगर आपने अभी भी इन बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी प्राइस जो है वो 15% कम हुआ है। और यहाँ पे जब आप कोड लगाओगे कृति 10, तो ये अमाउंट 10% और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर आप कॉइन्स यूज़ करोगे तो अप्रॉक्स जाके एक साल की फ़ी आपके पेड बैच की 4200 हो जाएगी, जिसमें आपको GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये बैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ SSC के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो फ्रॉम द बेसिक। एंड अगर आप चाहो तो EMI में भी अपने अमाउंट्स को पे कर सकते हो, ठीक है। कोड याद रखना, कृति 10 लगेगा। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6:45 AM। और हाँ, कल सुबह का जो 5 बजे का क्लास होगा वो इकोनॉमिक्स स्पेशल होने जा रहा है। उसके अंदर कुछ आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा शेड्यूल ना फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि स्पेशल क्लासेस होते हैं, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना, क्योंकि भैया पढ़ना तो भाई तो पढ़ लीजिएगा, सुबह के क्लास को कभी भी देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।